देवताओं का जन्म होता है। कहते हैं दिति मैया के दो पुत्र थे जिनमें जिनका नाम था हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष। हिरण्ययक्ष को तो भगवान ने मार दिया, जब हिरण्ययक्ष को भगवान ने मारा है कहते हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष जो थे जो पूर्व जन्म में भगवान नारायण के यहां सेवक के रूप में रहा करते थे, एक बार की बात जब सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए जाते हैं और जब सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने के लिए गए तो भगवान के यहां बैकुंठ धाम में सात दरवाजे थे, तो छह दरवाजे तो पार करके चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सातवें दरवाजे पर पहुंचे तो सातवें दरवाजे पर जय और विजय नाम के दो पहरेदार खड़े हुए। अब जब पहरेदार खड़े हैं तो उन जय और विजय पहरेदार ने सनकादिक ऋषियों को पहचान नहीं पाया। देखने में तो केवल 5 वर्ष के हैं, छोटे से, लेकिन बड़े ही शक्तिशाली और क्रोधी महात्मा हैं। तो जैसे अंदर जाने लगे जय और विजय ने रोक लिया, महाराज आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। क्यों? बोले पहले हमें अपने प्रभु से आज्ञा लाने दीजिएगा, उसके बाद में आप अंदर चले जाना। तो जैसे रोका तो उसी समय कहते सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और जैसे ही क्रोध आया तो क्रोध के आवेश में आकर के उन्होंने जय और विजय पहरेदार को श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया है कि तुमने मेरा अपमान किया है, मुझे अंदर नहीं जाने दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लेकर रहोगे। अब जैसे ये श्राप दिया है तो उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब श्राप जैसे ही दिया तो जय और विजय तुरंत पैरों पर गिर पड़े और पैरों पर गिरकर क्षमा मांगते हैं, प्रभु हमसे भारी भूल हो गई, हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया, आप तो बड़े ही दयावान हो, साधु संतों के अंदर बड़ी जल्दी दया आती है, तो आप हमारे इस भूल को क्षमा कर दो। जैसे ही कहा तो वे बात सुन करके उनको जो माना जो उनका गुस्सा था वो शांत हो जाता है और जैसे ही उनका गुस्सा शांत हुआ उन्होंने जवाब दिया है कि महाराज जवाब दिया कि तुम 3 जन्म तक पृथ्वी पर राक्षस कुल में जन्म लेकर तो रहोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार करने के लिए तुम्हें मारने के लिए स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। दे दिया वरदान। बोले श्राप दिया है तो अमिट नहीं हो सकता है, लेकिन इस श्राप में बदलाव यही आ सकता है कि अगर
जब तुम पृथ्वी पर तीन जन्म तक राक्षस कुल में जन्म लोगे, तुम्हें मारने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा। वही जय और विजय कहते हैं, कश्यप ऋषि की पत्नी थी मैया दिति, जिनके गर्भ से जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा हिरण्यकश्यप और हिरण्ययक्ष। तो हिरण्ययक्ष को तो भगवान ने मार दिया था, अब बचा हिरण्यकश्यप। तो हिरण्यकश्यप ने जैसे सुना कि हमारे भाई को उस विष्णु छलिया ने चालाकी से मार दिया है, छल कपट से, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, तो भगवान से बदला लेने का सोचने लगा है और विचार करता है मैं इनसे बदला लूं तो कैसे लूं। उनके पास तो अनेक शक्तियां हैं, चक्र है, कमल है, गदा है, शंख है, अनेक शक्तियां हैं, लेकिन मेरे पास में कुछ नहीं है, मैं क्या करूं? तो यही सोचा है। तो उसी समय कहते महाराज, आज मन में विचार किया कि अगर मुझे बदला लेना है तो मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, और मैं तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा, और ऐसा वरदान पकड़ के फिर मैं उनसे बदला लूंगा, क्योंकि मेरे भाई को मारा है। आज हिरण्यकश्यप चले हैं, बताया है। कि भाई का मरना सुनते ही, और भाई का लोहू उबल पड़ा, भाई का लोहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। कहते महाराज, अब जैसे ही चला है और चल पड़ा है, विचार करता है मैं जाऊंगा और तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त करूंगा कि हमसे वो विष्णु छलिया जीत ना पाए, मैं उसे मार दूंगा। यही सोचकर हिरण्यकश्यप आज जब चल पड़ा है और चल करके जब एक महाराज जंगल में पहुंचा है, जंगल में देखा है कि एक बड़ा सुंदर पेड़ है और बड़ा शांति छाई है, वहां पर कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप ने विचार किया मैं इसी पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करूंगा। अब ये सोचकर हिरण्यकश्यप उस पेड़ के नीचे तपस्या करने बैठ गया। तो देवताओं के गुरु थे महाराज बृहस्पति जी और राजसों के गुरु थे शुक्राचार्य जी। तो जैसे ही गुरु बृहस्पति जी को पता चला, आज गुरु बृहस्पति जी ने एक तोते का रूप बनाया और तोते का भेष बना करके
जहाँ हिरण्यकश्यप बैठा था उसी पेड़ की डाली के ऊपर बैठ गए और उस पेड़ की डाली के ऊपर बैठकर आज राम राम की रटन लगाने लगे। अब जैसे राम राम की रटन लगाते हैं तो हिरण्यकश्यप के कानों में राम शब्द जैसे सुना तो हिरण्यकश्यप विचार कर रहा है कि ये जो राम है ये तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। कहते भगवान दो ही प्रकार से प्राप्त हो सकते हैं, या तो निस्वार्थ भक्ति करो और या तो फिर शत्रुता ही कर लो। हिरण्यकश्यप ने शत्रुता की, रावण ने की, कंस ने की, तो भगवान गए मारने के लिए, स्वयं चल करके गए। तो कहते महाराज हिरण्यकश्यप कहता है, विचार करता है कि ये तो हमारे बैरी का नाम है, आज मैंने अपने बैरी का नाम सुन लिया, शत्रु का नाम सुन लिया, इसका मतलब आज का दिन हमारा खराब चला गया और आज मैं तपस्या नहीं करूंगा, आज मैं अपने घर जा रहा हूं और जब कल लौट कर आऊंगा कल तपस्या करूंगा। हिरण्यकश्यप आया है और जैसे ही अपने महलों की तरफ चला है और हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम था कयाधु। कयाधु ने दूर से देखा कि महाराज आ रहे हैं, प्रेम से बिठाया और जब प्रेम से बिठाया है तो सुखदेव जी महाराज कहते कि ही राजन परिचित। हिरण्यकश्यप कुछ उदास था, घबराया था, तो कयाधु ने प्रेम से बिठाया और उनके चेहरे की तरफ देखकर बोला, महाराज वैसे आप आते थे तो बड़े खुशी के साथ में आते थे, खुशी नजर आते थे और आज आप बड़े दुखी नजर आ रहे हो, आखिर बात क्या है? और दूसरे आप तो तपस्या करने के लिए गए थे, आप लौट क्यों आए, क्या बात है? तो जैसे ये कहा उसी समय जवाब दिया है कि देवी आज जब मैं तपस्या करने के लिए गया तो वहां तुम्हें शायद नहीं पता है कि मैंने वहां पर अपने बैरी का नाम सुना। मैं तपस्या करने के लिए बैठा और जिस पेड़ के नीचे बैठा उस पेड़ की डाली के ऊपर एक तोता बैठा हुआ था। अब वो तोता राम राम कह रहा था, तुम तो जानती हो कि ये राम हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, तो मैंने सोचा कि आज मैंने अपने शत्रु का नाम सुन लिया इसलिए मैं लौट आया। कयाधु विचार करती, अगर हमारे पति भगवान से इतनी शत्रुता करेंगे तो पता नहीं इनका उद्धार कैसे होगा। कयाधु मानो अनजान बन गई हो, बोले महाराज अरे वो तोता राम राम नहीं कुछ और कह रहा होगा। बोले ना वो तोता राम राम ही कह रहा था। बोले महाराज आप हमें पागल मत बनाओ, तोता और वो भला राम राम कैसे कह सकता है? हिरण्यकश्यप कहता है कि देवी मैंने अपने कानों से सुना है कि वो तोता राम राम ही कह रहा था। आगे से हटो, थोड़ा इधर उधर खिसक जाओ। अब जैसे ये कहा सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब जैसे ये कहा है कयाधु ने अनजान बनकर आज अपने पति से हिरण्यकश्यप से 107 बार राम राम कहलवा लिया। और जब 107 बार राम राम कहलवा लिया विचार करती चलो अब इनका उद्धार तो हो जाएगा। अब जैसे ये सोचा दूसरा दिन हुआ, हिरण्यकश्यप जाता है और जंगल में जाकर के तपस्या करता है और जब तपस्या की है
जब घोर तपस्या की तो ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से बड़ा प्रसन्न है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी प्रकट होकर आज हिरण्यकश्यप से कहते हैं, हिरण्यकश्यप मैं तुम्हारी इस तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं, तुम ऐसा करो हमसे वरदान मांग लो। तो ब्रह्मा जी ने जो सोचा नहीं था वो मांग लिया। बोले महाराज जी ये बताओ मैं जो मांगूंगा दोगे? बोले बिल्कुल, क्या मांगोगे, क्या चाहिए? तो जैसे ही कहा कि मैं जो मांगूंगा दोगे, बोले बिल्कुल दूंगा, तुम्हारी इच्छा जो हो मांगो। तो हिरण्यकश्यप ने मांगा क्या है ब्रह्मा से सुनो। कि कुछ अधिक नहीं बस इतना दो, वो नीचे न मरो ऊपर न मरो, सीतना दो नीचे न मरो ऊपर न मरो, और निस में न मरो दिन में न मरो, बाहर न मरो भीतर न मरो, जवाब दिया है कि प्रभु और सुनो मुझे क्या चाहिए। नर से न मरू पशु से न मरू, नरी से न मरू पशु से न मरू, व्यापे कोई हथियार नहीं, दुनिया में भोग भोग वे को रह जाए कोई समय नहीं, जैसे ही जवाब दिया है कि बोले हिरण्यकश्यप कहता है कि महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मांगता भी ज्यादा है और कहता ज्यादा चाहिए भी नहीं, कुछ अधिक नहीं बस इतना दो। महाराज ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, ना तो ऊपर मरे और ना नीचे मरे, ना बाहर ना भीतर, ना रात में ना दिन में, ना किसी नर से ना किसी पशु से, ना किसी अस्त्र से ना किसी शस्त्र से, और यहां तक हम 12 महीनों में भी ना मरे। ब्रह्मा जी ने एवं मस्तु कह दिया, बोले ऐसा ही होगा, जरूर ऐसा होगा। ब्रह्मा ने कुछ सोचा नहीं, एवं मस्तु कह दिया। अब बाद में सोच रहे हैं, हिरण्यकश्यप से कहते हैं तू तो सोच रहा है कि मैं अमर हो जाऊं, जब हम अमर नहीं है तू कैसे अमर हो सकता है, लेकिन जो तूने वरदान मांगा है और मैंने दे दिया ये सही तो होगा, लेकिन मरना तो पड़ेगा। तो जैसे ये वरदान दिया है, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मलोक चले गए। अब हिरण्यकश्यप अपने एरस नगरिया को जब आया है ना, और जैसे अपने नगरी में आया तो मानो हिरण्यकश्यप सबसे शक्तिशाली हो गया। जितने भी छोटे छोटे राजा थे सब अपनी राज्य को छोड़कर उसकी शरण में आ गए।
इंद्र को हराकर इंद्रासन छीन लिया। अब खून की नदियां बह रही हैं, चारों तरफ डंका पिटवा दिया है कि आज से इस पृथ्वी का भगवान मैं हूं। अब जैसे कहा कि इस पृथ्वी का भगवान आज से मैं हूं, और कोई भी हमारे इस राज में उस राम का नाम लेते नजर ना आए, और जिसने राम का नाम लिया उसे सजा मौत मिलेगी। आज से हर कोई जो काम करेगा हमसे पूछ कर करेगा। अब जैसे ये कहा है तो कहते महाराज अब जब शक्तिशाली हो गया है, इधर एक दिन की बात है कि हिरण्यकश्यप किसी काम से बाहर जाता है, और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी थी मैया कयाधु जो गर्भवती थी, और जब मैया गर्भवती है तो कहते हैं उसी समय मैया कयाधु महलों में अकेले रह जाती है, और महलों में अकेली है, और इधर इंद्र ने मौका पाया, और इंद्र मौका पा करके हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु का हरण कर लेता है। विचार करता है कि अगर हिरण्यकश्यप इतना बलशाली है और अत्याचारी है, जब इसकी संतान होगी वो पता नहीं कितनी बलशाली हो, वो पता नहीं कितना अत्याचार करे, और इसी के कारण हरण कर लिया। और जब हरण किया है तो कहते महाराज अब जैसे ही लिए जा रहा है कयाधु का हरण के, इधर बाबा नारद जी मिल जाते हैं, और जब बाबा नारद जी रास्ते में मिल गए तो जब बाबा नारद जी रास्ते में मिले, बाबा नारद ने इंद्र को देखा कि इंद्र तो हिरण्यकश्यप की पत्नी को लिए जा रहा है। आज बाबा नारद पहुंचते हैं हिरण्यकश्यप, आज इंद्र से कि इंद्र तुम हिरण्यकश्यप की पत्नी को हरण करके क्यों ले जा रहे हो, कहां ले जा रहे हो? बोले महाराज मैं इनको अपने साथ में लेकर जा रहा हूं। क्यों? बोले महाराज आप तो जानते हो कि हिरण्यकश्यप कितना शक्तिशाली और अत्याचारी है, बड़ा अत्याचार करता है, और इनकी ये पत्नी कयाधु जो गर्भवती है, आपको पता है अगर इनके उधर से बालक का जन्म हो गया वो पता नहीं कितना अत्याचार करेगा, इसलिए मैंने हरण कर लिया है, और जो भी इनके उधर से बेटा होगा मैं उसे मार दूंगा, उसके बाद कयाधु को उनके राज्य में छोड़ दूंगा। जैसे ये कहा, आज ये बात सुनते ही बाबा नारद इंद्र को समझाते हैं कि हे इंद्र शायद तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है कि पर उसी समय नारद पहुंचे, अब बोले राजन क्या करते हो, अबला वो से डरते हो।
जवाब दिया है। बोले महाराज आप नहीं जानते हो, जो कयाधु से बालक होगा पता नहीं कितना अत्याचार करे। बोले ऐसी बात नहीं, तुम मेरी बात सुनो। सुरपति ए और भिखारी कहां, अपना हरि और भिखारी कहां, इन गरीबों से ही देवों के प्रगटेंगे ताबादारी यहां। जवाब दिया है कि महाराज शायद तुम्हें नहीं पता है, जो ये कयाधु है इनके गर्भ से जो बालक होगा वो भगवान का बड़ा परम भक्त होगा, और जो इनके गर्भ से बालक होगा वो भगवान की इतनी भक्ति करेगा कि उसी के द्वारा तो भगवान इस पृथ्वी का वध करेंगे। तो जैसे ये कहा, ये बात सुनते ही आज छोड़ दिया है कयाधु को। और जब कयाधु को छोड़ा तो कयाधु मैया बाबा नारद के साथ में चलकर उनके आश्रम पर पहुंच गई। और जब उनके आश्रम पर पहुंची है, बद्रिका आश्रम पर पहुंची, तो कहते आश्रम पर जब मैया जाती हैं, जहां हमेशा साधु संतों की भीड़ लगी रहती है, हमेशा भगवान का भजन होता रहता है, आज मैया कयाधु भी भगवान का भजन करती हैं। और एक बात बताई गई, कहते महाराज जब कोई मैया गर्भवती होती है, जिनके गर्भ में बालक का पालन होता है, और जब मैया गर्भवती बच्चे का जब उदर में बच्चा होता है, और कहते हैं जब बेटे का पालन होता है मैया के उदर में, तब मैया जैसा काम करती, जैसे कार्य करती है बच्चे के जन्म के बाद, वो बच्चा वैसा ही करता है, उसके अंदर वैसे ही गुण आते। जब मैया जब वो बेटा पेट में होता है, मैया जैसे जैसे काम करती है, तो बताऊं सही है, ये लिखा भी है। कहते हैं कि मैया कयाधु जाती बद्रिका आश्रम पर,